गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोगों का आज इस सत्र में। और आज हम 11th के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आज हम वेक्टर का जो हमारा आज का लेक्चर है उसके दौरान हम पढ़ेंगे आज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन। तो आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, तो एक होता है साइन, एक होता है कॉस। तो साइन को लो बुक में उसका यदि पूरा लिखा जाता है तो उसको लिखते हैं साइन, कॉस को यदि पूरी तरह से लिखा जाता है तो उसको लिखते हैं कोसाइन, टेन को जब लिखा जाता है तो लिखते हैं टेंजेंट। इसी तरह से आप देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्री के बुक में कॉट को कोटेंजेंट, सेक को सेकेंट और कोसेक को कोसेकेंट लिखते हुए थे। डायरेक्शन कोसाइन मतलब हम मान लेते हैं कोई वेक्टर हमारा है स्पेस में, वेक्टर ए, ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। ये हमारा वेक्टर ए स्पेस में है जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। तो क्या होगा कि बच्चों 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में, अब ये वेक्टर जो स्पेस में है हमको इसका डायरेक्शन बताना है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम बताएंगे कि वो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, वाई एक्सिस से कितने एंगल पर है और जेड एक्सिस से। यदि हम तीनों एक्सिस से उसका एंगल बता दें कि एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से, तो हम उस वेक्टर को डिसाइड कर पाएंगे कि वो कहाँ है या उसकी डायरेक्शन कहाँ है। तो इसके लिए हम डायरेक्शन दिखाने के लिए कॉस का यूज करते हैं। यानी यदि आपको हमने दिखाया है कि एक्स एक्सिस से वेक्टर ए अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है और जेड एक्सिस से हमारा वेक्टर ए गामा एंगल बना रही है, तो यदि हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू बता दें तो हम उस वेक्टर ए की स्पेस में डायरेक्शन बदलाने में कामयाब हो जाएंगे। कैसे? यदि हमें कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी तो वहां से हम अल्फा निकाल लेंगे, यदि हमें कॉस बीटा की वैल्यू आएगी तो वहां से हम बीटा निकाल लेंगे, और यदि हमारा कॉस गामा की वैल्यू आएगी तो हम वहां से गामा निकालेंगे। और यदि अल्फा बीटा और गामा हमें मालूम हो जाएगा तो हम उस वेक्टर स्पेस में कहाँ सिचुएटेड है ये बता पाएंगे, यानी उस वेक्टर की डायरेक्शन बताएंगे। तो इसके लिए हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में से कोसाइन, दैट मींस कॉस का यूज करते हैं उस वेक्टर की स्पेस में डायरेक्शन बतलाने के लिए। क्योंकि जब हम कॉस अल्फा कॉस बीटा या कॉस गामा निकाल लेते हैं, दैट मींस हम अल्फा बीटा और गामा निकाल लेते हैं, आपको कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। मान लेते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू आई 1/2, दैट मींस अल्फा हो गई 60 डिग्री। तो इसी तरह से यदि हम कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू पता कर लेंगे तो हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पता कर लेंगे, और जब हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पता कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कि उस स्पेस में वो वेक्टर कहाँ सिचुएटेड है, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन हम बता पाएंगे। इसलिए हम इसको डायरेक्शन कोसाइन के नाम से जानते हैं। डायरेक्शन कोसाइन जब ये बोलेगा आपको निकालने के लिए, दैट मीन्स आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा निकालना है, बशर्ते कि वो एक्स एक्सिस से अल्फा बीटा और गामा एंगल पर हो वेक्टर हमारा स्पेस में। तो देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं। पिछले लेक्चर में हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में देखे थे कि एक वेक्टर के कंपोनेंट को हम किस तरह से देखते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारा वेक्टर है ए जो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा। तो यदि हम इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखते तो इस वेक्टर ए एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, अल्फा। तो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होता, ए कॉस अल्फा। या पहले हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, यदि कोई वेक्टर स्पेस में हो तो उसमें x, y और z तीनों कंपोनेंट होगी। तो मान लेते हैं ये वेक्टर a है जिसका x कंपोनेंट ax है और x कंपोनेंट की डायरेक्शन x डायरेक्शन में, तो axi प्लस y कंपोनेंट को वेक्टर a को बोल देते हैं ay, डायरेक्शन y एक्सिस की ओर, तो j कैप। और z कंपोनेंट हो वेक्टर a, दैट मींस az, और इसकी डायरेक्शन होगी z एक्सिस की ओर, दैट मींस k कैप।
लेकिन पिछले ही लेक्चर में जब हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लिखने के लिए सीख रहे थे तो आपको हम बताए थे कि वेक्टर का एक्स कंपोनेंट यदि हमें लिखना है तो हमको देखना होगा कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो ये हमारा वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, इसका मतलब इसका एक्स कंपोनेंट होता ए कॉस अल्फा, डायरेक्शन फिर किधर, आई कैप प्लस ए वाई। अब देखिए वेक्टर ए वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, बीटा, तो इसका वाई की ओर कंपोनेंट होता ए कॉस बीटा जे कैप, एंड जेड एक्सिस की ओर क्या कंपोनेंट होता, तो जेड एक्सिस से ये कितना एंगल बना रहा है, गामा। और हम आपको बताए हैं कि जिस एक्सिस से हमें एंगल मालूम हो उसके ओर कॉस कंपोनेंट में आता है। नॉर्मली यदि किसी एक्सिस से कोई वेक्टर थीटा एंगल सब ट्रेंड कर रही हो तो उस एक्सिस की ओर उसका कंपोनेंट कॉस थीटा होता है। एक्स एक्सिस से अल्फा था तो ए कॉस अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा था तो y कंपोनेंट a cos बीटा, और z एक्सिस से चूंकि एंगल गामा है इसलिए a cos गामा k कैप। अब हम अभी आपको तुरंत बताएं कि मतलब डायरेक्शन कोसाइन है क्या, कोसाइन दैट मींस cos, और यदि हम cos निकाल लेते हैं cos अल्फा cos बीटा और cos गामा, इसका मतलब हम अल्फा बीटा और गामा आसानी से निकाल पाएंगे। और जब भी हमें अल्फा बीटा और गामा मालूम हो जाएगी तो वह वेक्टर स्पेस में कहाँ है हम आसानी से मालूम कर पाएंगे, इसलिए वो डायरेक्शन बतलाए, तो इसलिए हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो एक्स कंपोनेंट की जगह क्या है, ए कॉस अल्फा, दैट मीन्स आप कंपेरिजन में देख रखते हैं इसको और इसको, यदि हम कंपेरिजन करें दोनों का तो क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा क्या है ए एक्स, ए कॉस अल्फा यहां से क्या है ए एक्स, ए कॉस अल्फा क्या है वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, तो उसको हम ए एक्स लिख दिए। यहां से आप कॉस अल्फा निकालिए, कॉस अल्फा क्या आएगा ए एक्स बटा ए। उसी तरह से कंपेरिजन कीजिए तो ए वाई क्या है ए कॉस बीटा, यानी हमारा ए कॉस बीटा जो है वो वेक्टर का वाई कंपोनेंट है, दैट मीन्स ए वाई। यहां से आप कॉस बीटा निकालिए तो क्या होगा ए वाई बाय ए, और फिर कंपैरिजन करके आप यहां से आप ए कॉस गामा है क्या वेक्टर ए का जेड कंपोनेंट, दैट मीन्स, या आप कंपेरिज भी कर सकते हैं तो ए कॉस गामा बराबर क्या ए जेड, दैट मीन्स कॉस गामा क्या आएगा ए जेड बाय ए जेड बाय ए। तो आप आसानी से देख रहे हैं कि हम यहां से इस दोनों को कंपेयर करके, या आप नॉर्मली जानते हैं कि ए कॉस अल्फा वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट होता है, जब एक्स कंपोनेंट क्यों ही है, क्यों है, क्योंकि एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल सबटेंड कर रही है, ये वाई कंपोनेंट है क्योंकि वाई एक्सिस से बीटा सबटेंड कर रही है, और जेड एक्सिस से गामा कंपोनेंट गामा सबट्रैक्ट कर रही है इसलिए ये जेड कंपोनेंट है। यहां से हम कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा निकाल लिए। अब यही कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि यदि हम बार बार मैं वही चीज कह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा डायरेक्शन कोसाइन कहते क्यों हैं, क्योंकि यदि हम कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा निकाल पा रहे हैं इसका मतलब अल्फा बीटा और गामा निकाल रहे हैं, और अल्फा बीटा गामा बता रहे हैं इसका मतलब हम डायरेक्शन बता रहे हैं वो कहां है स्पेस में, ये जानकारी हम दे रहे हैं। तो स्पेस में जानकारी देने के लिए हमें अल्फा बीटा और गामा चाहिए, दैट मींस एक्स एक्सिस से वो कितने एंगल पर है, वाई एक्सिस से कितने एंगल पर है, और जेड एक्सिस पर कितने एंगल पर, ये जानकारी चाहिए। और अल्फा बीटा और गामा निकालने के लिए हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा चाहिए, इसका मतलब अल्टीमेटली हम लोग कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा से ही डायरेक्शन दिखला रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल सबट्रेंड कर रही हो, वाई एक्सिस से बीटा एंगल सबट्रेंड कर रही हो, और जेड एक्सिस से गामा एंगल पर हो, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा उसकी डायरेक्शन कोसाइन कहलाती है। और आपको सीधा आसानी से दिख रहा है यदि हमें डायरेक्शन कोसाइन लिखना होगा तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्शन कोसाइन यदि हमें लिखना हो तो हम कॉस अल्फा लिखेंगे, जहां अल्फा एक्स एक्सिस से एंगल है, यही है डायरेक्शन कोसाइन,
एक्स उस वेक्टर के एक्स कंपोनेंट में। यहाँ वेक्टर ए क्या दिखला रहा है, वो वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड दिखा रही है, ये ए उसके एक्स कंपोनेंट में वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। दूसरा डायरेक्शन कोसाइन अर्थात कॉस बीटा निकालने के लिए उसके वाई कंपोनेंट में फिर वेक्टर के ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। और कॉस गामा अर्थात तीसरा डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि स्पेस में जब हम वेक्टर को सिचुएटेड करेंगे तो हमें तीनों एक्सिस से एंगल मालूम होना चाहिए, इसलिए हमें कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा निकालना पड़ेगा। फिर कॉस गामा हो जाएगा जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बाय ए। अच्छा, कोई जरूरी नहीं हो कि कॉस गामा जेड कंपोनेंट बाय ए है, लेकिन यदि आप जेड एक्सिस से ही एंगल को बीटा मान लीजिएगा तो तब यहां कॉस बीटा आ जाएगी। लेकिन नॉर्मली लोग चूंकि बोलते वक्त एक्स वाई और जेड लगातार बोलते हैं, उसी तरह से अल्फा बीटा और गामा, तो नॉर्मली हम लोग एक्स एक्सिस से अल्फा, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल मान के चलते हैं, ठीक ना। यदि कोई इसमें कभी एक्सपेरिमेंट करें तो चीज़ें उलट सकती है। ये आ गया, यही इसी ये है तरीका डायरेक्शन कोसाइन निकालने का कि आप कॉस अल्फा निकाले। हाँ, लेकिन वही बात कि अल्फा बीटा और गामा क्रमशः एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस से उस वेक्टर का एंगल हो, ना कि कोई दूसरे ऑर्डर में। तब कॉस अल्फा हो जाएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। कॉस बीटा हो जाएगा वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। एंड कॉस गामा होगा जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। सवाल आता है एग्जाम में कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है, आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने बोलेगा तो इस तरह से आराम से निकालिएगा। अब वो सवाल में ही इन्फॉर्मेशन देता है कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की क्या वैल्यू होगी, या फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की क्या वैल्यू होगी। ये डायरेक्ट सवाल आता है और आप विभिन्न कोचिंग के या फिर विभिन्न बुक में ये सवाल देखते होंगे। तो हम यहाँ से सबसे पहले कॉस अल्फा आपको ये मानना पड़ेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ही उस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन है, क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा जान लेने के बाद मैं अल्फा बीटा और गामा जान लूंगा और उससे मैं वेक्टर का प्लेन में कहाँ सिचुएटेड है उसकी सिचुएशन बता पाऊंगा, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन बता पाऊंगा। सो वी कॉल कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन। तो हम यहाँ अब जो सवाल आता है कि यदि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की क्या वैल्यू होगी। तो हम यहाँ देखते हैं हमारा जो टॉपिक है अगला कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की क्या वैल्यू होगी। तो हम ऊपर से कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा की वैल्यू रखते हैं वो ए एक्स बाय ए, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा है इसकी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा यानी ए वाई बाय ए का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा यानी ए जेड बाय ए का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, ए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इसको यहाँ आके देखते हैं फिर आगे, ए स्क्वायर आप नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन लीजिए, एलसीएम लीजिए, ए स्क्वायर क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बच्चों अब देखिए, यदि कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिखा रहे तो आपको हम बताए थे कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं। यदि वेक्टर ए लिखा हुआ है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे और ए जेड के, तो हम आपको बताए थे कि इस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड होगी रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर जोड़ जेड कंपोनेंट स्क्वायर। तो यहाँ ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो हम ऊपर वाले को एज इट इज रहने लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहां से आप देखिए तो क्या लिखेंगे हम, रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर जोड़ वाई कंपोनेंट का स्क्वायर जोड़ जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट मींस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। लेकिन हमको वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, उसका स्क्वायर चाहिए, यहां से क्या कर देंगे स्क्वायर। अब आप देखिए क्या आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर बाय,
अब यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हट जाएगा, यहाँ नीचे क्या बचेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो स्ट्रेट टाइप का अब सवाल आता है कि यदि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा स्पेस में किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन को बतलाता है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की क्या वैल्यू होगी, वो होगी वन। ठीक है, और अब एक और सवाल आता है कि यदि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा किसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करती है या उसके डायरेक्शन कोसाइन को दिखलाती है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा जो साइन स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होगा, तो वो बहुत आसान है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत नॉर्मल फॉर्मूला मालूम हो वो इसे आराम से लिख सकता है। तो हम आपको करके दिखाते हैं। अभी जो हमारा रिजल्ट आया वो था, यहाँ आया कि यदि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा किसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू वन आती है। अब हमसे सवाल पूछा गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की क्या वैल्यू होगी, तो क्या करते हैं, सारे कॉस को हम साइन में बदल देते हैं और आप ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वन। तो यहां से यदि हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, या कॉस स्क्वायर थीटा निकालें क्योंकि हमें कॉस स्क्वायर को हटाना है, साइन स्क्वायर लेना वहां पर, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगी बच्चों, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है, वहां से कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो उसी बेसिस पर उसी फॉर्मूला की मदद से हम कॉस स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा को क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन। हमें निकालना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये सारे माइनस साइन में इस साइड है, इस सारे को उधर भेज देते हैं और इस वन को इधर ले आते हैं। तो वन वन वन, ये सारा वन होके वन वन वन, वन प्लस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री, और वो वन इधर आएगा तो थ्री माइनस वन, बाकी साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा को हम आर एच एस में भेज देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा जोर साइन स्क्वायर गामा, तो थ्री माइनस वन क्या हो जाएगा, टू, ये आया हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। तो अभी आपने देखा कि यदि किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा हो तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू वन होती है, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू टू होती है। आपको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रख लेना है, और या तो आपको बोलेगा कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा किसी वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन है, या यदि वो ऐसा नहीं बोले तो ऐसा भी बोल सकता है कि कोई वेक्टर स्पेस में है जो एक्स एक्सिस से अल्फा वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर की गामा की वैल्यू क्या होगी। तो ये सेम सवाल है, या तो बोले कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी, वो वन होगी, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा की क्या वैल्यू होगी, वो टू होगी, या वो सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट करें या वो एंगल बताए कि एक्स एक्सिस से अल्फा वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल पर है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा जो कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी, तो वो हो जाएगी आपको वन, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू होगी टू। ठीक है, नॉर्मली अभी हमने आपको डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए बताया, यदि आपसे कोई डायरेक्शन कोसाइन एक सवाल हम छोटा सा दिखते हैं कि कैसे हम डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, तो नॉर्मली जो हमारा रिजल्ट था कि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा ही डायरेक्शन कोसाइन दिख बताता है बशर्ते कि एक्स एक्सिस से अल्फा वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल पर हो वेक्टर। तो हमारा कॉस अल्फा क्या था, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए,
कॉस बीटा क्या था, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड कॉस गामा क्या था, जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैं बार बार यही चीज कर रहा हूँ कि फॉर्मूला ये तब है जब एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा, और नॉर्मली लोग इसी तरह से चीजों को कंसिडर करते हैं। इसलिए यदि वो बोल दे कि वाई एक्सिस से ही अल्फा है तो कॉस अल्फा हो जाएगी ए वाई बाय ए, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही होता है। अब आपको हम थोड़ा सा काम करके दिखाते हैं कि बोलेगा एक वेक्टर दे देगा आपको, बोलेगा उसकी डायरेक्शन कोसाइन लिखे। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है जो है 3i प्लस 4j माइनस 3k कैप। अब बोला राइट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू लिखना मतलब हुआ हमें कॉस अल्फा चाहिए, हमें कॉस बीटा चाहिए और हमें कॉस गामा चाहिए। तो यहां से यदि इसकी डायरेक्शन कोसाइन हमें लिखेंगे तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 3 बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट अंडर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर जोड़ वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए जब भी हम कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर लिखा होता है तो हम नॉर्मली इसको 3 का स्क्वायर लिखना ज़्यादा पसंद करते हैं, एक्चुअली हम इसको माइनस 3 ट्रीट ही नहीं करते हैं। बच्चों मैं आपको इस तरह से बताता हूँ कि एक वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 3 इंटू माइनस के, दैट मीन्स एक वेक्टर है जो तीन वेक्टर में स्प्लिट हुआ है, एक्स एक्सिस की ओर उस वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की ओर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, और यहाँ जो माइनस साइन था हम उसको यहाँ माइनस ला के सोचते हैं कि नेगेटिव जेड एक्सिस की ओर एक तीसरी वेक्टर थी जिसका मैग्नीट्यूड 3 था, और उन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो नॉर्मली लोग माइनस साइन यूज करके, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता, तो या तो आप माइनस साइन यूज करें, मैं यूज नहीं करता, तो मैं प्लस, और उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर हम लिखते हैं तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं 3 का स्क्वायर, तो ये निकल के क्या आ जाएगी 3/9 प्लस 16 प्लस 9, तो 9 प्लस 16 25 प्लस 9 तो 34, रूट 34 ये आएगा हमारा कॉस अल्फा। और आपको हम बताएं कि डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा की, तो ये हमारा कॉस अल्फा आ गया, यानी ये पहला डायरेक्शन कोसाइन आ गया। अब हमें कॉस बीटा बताना है, तो कॉस बीटा मतलब क्या, कोई भी डायरेक्शन कोसाइन में चाहे एंगल कुछ भी रहा हो, हालांकि अल्फा बीटा और गामा ही मानते हैं, तो पहला डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए एक्स कंपोनेंट बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जेड कंपोनेंट बटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसका जेड कंपोनेंट, किसका एक्स कंपोनेंट, किसका वाई कंपोनेंट, जिस वेक्टर का हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लें उस वेक्टर का, किसका मैग्नीट्यूड, जिस वेक्टर का डायरेक्शन निकाल लें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब हम इसका दूसरा निकालेंगे तो इसका वाई कंपोनेंट कितना है 4, और मैग्नीट्यूड तो निकाल ही चुके हैं, इन तीनों का स्क्वायर करेंगे फिर क्या आएगा रूट 34, और जेड क्या हो जाएगा, तो आप यदि देखें तो यहाँ साइन हमारा, इसको तो हम सिर्फ आप मैग्नीट्यूड के सेंस में बताए थे, यहाँ हमारा तीसरा क्या है जेड कंपोनेंट माइनस 3, तो हो जाएगा माइनस 3 बाय रूट अंडर 34, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। नॉर्मल सा चीज था डायरेक्शन कोसाइन, मेनली सवाल यहाँ से एग्जाम में आता है या यहाँ से एग्जाम में आता है, और 12th क्लास में स्टेट टाइप का क्वेश्चन आता है डायरेक्शन कोसाइन लिखने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन चार दिए रहते हैं, चारों ऑप्शन में ये तीन तीन ठो नंबर मिलेगा आपको, तो आपको देखना है कि किस में ऑप्शन में हमारा एक्स कंपोनेंट बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वाई कंपोनेंट बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जेड कंपोनेंट बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नॉर्मली जो सबसे बेहतरीन रिजल्ट है जो कभी कभी मेडिकल या फिर कंपेटिटिव एग्जाम में आता है कि
कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा यदि किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन को दिखलाती है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको याद रखना। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 होगी। जिनको याद ना रहे वो ऐसा यूज कर सकते हैं या ऐसा सोच सकते हैं नॉर्मली कि हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री लिखते हैं तो सबसे पहले साइन लिखते हैं उसके बाद कॉस लिखते हैं। तो सबसे पहले जब साइन लिखते हैं इसका मतलब कॉस का बड़ा भाई है साइन, और बड़ा भाई को बड़ा वैल्यू मिलना चाहिए, तो 1 और 2 में से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 होगी, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होगी। लेकिन ट्रिक यूज करते वक्त ऐसा नहीं कि ऑप्शन में 3-4 रहे तो बड़े वाले को 4 दे दो 3, ये याद रखना है कि इस दोनों की वैल्यू 1 और 2 ही होने वाली है। तो साइन वाले को 2, साइन पहले आया, और कॉस वाले को 1, और आता कैसे है यही तो हम तभी से आपको दिखा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा हो, और आपको डायरेक्शन कोसाइन समझाने में मैं सक्षम हो पाया हूँ। तो आशा करूँगा कि ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ आप शेयर करेंगे, और लगातार इसी तरह के लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल जो YouTube पर श्री कृष्णा क्लासेज मधेपुरा के नाम से मौजूद है उसे सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद, दैट्स इट।